बीसलपुर बांध में जलस्तर बढ़ने के बाद विधिवत पूजा अर्चना के साथ गेट नंबर 9 और 10 को खोला गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और टोंक जिला कलेक्टर सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर करीब 1 मीटर तक गेट खोले। बांध के गेट खुलते ही सायरन बजाया गया और ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीणों ने अपनी खुशी व्यक्त की। सुरक्षा के लिए पुलिस ने माकुल व्यवस्था की है और सिविल डिफेंस व गोताखोरों की टीम भी मौके पर तैनात है। राजस्थान के सबसे बड़े बांधों में से एक बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो होने के बाद शुक्रवार को जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी। बांध के 2 गेट 9 और 10 नंबर को खोला गया है। 26 साल में यह पहला मौका है जब बांध के गेट सितंबर महीने में खोले गए हैं। इससे पहले डैम के गेट भी हमेशा अगस्त महीने में खोले जाते रहे हैं। शुक्रवार की सुबह बांध का जल स्तर बांध की पूर्ण भराव क्षमता यानी कि 315.50 मीटर भर गया, जिसके बाद विधिवत पूजा अर्चना हुई और बांध के गेट खोल दिए गए। इससे पहले गुरुवार की रात से ही बांध पर अलर्ट सायरन की आवाज गूंजने लगी थी। वहीं प्रशासन ने बनास नदी के बहाव वाले क्षेत्रों में भी मुनादी करवा दी गई। इससे पहले 6 बार बीसलपुर बांध अगस्त महीने में ही ओवरफ्लो हुआ है। बांध से पानी की निकासी के बाद बनास नदी में डाउन स्ट्रीम में टोंक प्रशासन अलर्ट मोड पर है। टोंक जिले में बनास नदी की ओर जाने वाले 10 मुख्य रास्तों पर आवागमन रोक दिया गया है। जिला कलेक्टर सोमिया झा ने बांध से पानी की निकासी को लेकर सभी महकमों को अलर्ट पर रखा है। आसपास के इलाकों में लोगों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस मानसून सत्र में बीसलपुर बांध को भरने में उसकी सहायक नदियां खारी और डाई नदियों में भारी सहयोग किया और ऐसा पहली बार हुआ जब त्रिवेणी बनास नदी की जगह खारी और डाई नदियों से ज्यादा पानी की आवक हुई। राजधानी जयपुर अजमेर और टोंक की लाइफ लाइन बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो होने के बाद बांध के गेट सितंबर महीने में खोले गए हैं। पिछले दिनों में बीसलपुर बांध के जल भराव क्षेत्रों में भारी बरसात के बाद वहां गंभीरी जैतपुरा और गोवटा बांधों के गेट खोलकर निकासी का पानी बीसलपुर बांध की ओर तेजी से त्रिवेणी बनास नदी के सहारे बांध में आ रहा है।